गायब टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई को लेकर चीन क्या दावा कर रहा है। चीन की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। टेनिस मैच के उद्घाटन समारोह में दिखी पेंग शुआई, ये कहा गया है चीनी मीडिया में। आज सुबह दिखाई दी पेंग शुआई, ग्लोबल टाइम्स ये दावा कर रहा है। और जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, यही वीडियो चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में जारी किया गया है। वीडियो ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर ने लिया है, ये ग्लोबल टाइम्स का दावा है। यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद से गायब थी पेंग शुआई। कुछ दिन पहले ग्लोबल टाइम्स ने भी मेल जारी कर किया था ऐसा ही दावा, और अब उस दावे के समर्थन में बाकायदा ग्लोबल टाइम्स पर यह वीडियो जारी किया गया है। और बताने की कोशिश दुनिया को यह की गई है कि देखिए वीडियो में पेंग शुआई नजर आ रही हैं। आज सुबह का ही ये वीडियो है, ये ग्लोबल टाइम्स का दावा है। तो ये वीडियो जारी किया गया है और इस तरह के कुछ और वीडियोस भी लगातार सामने आ रहे हैं। साबल दास गुप्ता जी, ये भी समझाइए कि अगर ये वीडियो अब चीन की तरफ से रिलीज किया जा रहा है तो इस तरह के वीडियो प्रोपेगेंडा, खैर चीन की तरफ से सामने रखना कोई नई बात है नहीं, जब भी कोई बात होती है तो चीन की तरफ से एक वीडियो रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन जो जी सर, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए प्रोपागेंडा एक बहुत बड़ा अंश है, उनके लिए वो फॉरेन मिनिस्ट्री है, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है, प्रोपागेंडा पर पूरी पार्टी जीवित है। तो उसके लिए उनकी जो सिस्टम्स हैं, उनकी जो डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स हैं, वो हमेशा तैयार रहती है ऐसे प्रोपागेंडा वीडियो बनाने के लिए, और इसीलिए उन्होंने समय सर इसे जारी किया है। सिर्फ चीन के लोगों को तैयार करने के लिए नहीं, लेकिन चीन के कई ऐसे शायद 100 से ज़्यादा ऐसे कंट्री देश हैं जो अमेरिका को सपोर्ट करे या चीन को सपोर्ट करे, इस बीच में फंसे हुए हैं, वो अमेरिका की तरफ चले जाएंगे तो चीन को बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा। इसीलिए ये सारे वीडियोस इस तरह से पेश किए जाते हैं कि ह्यूमन राइट्स में हम कोई कर-कसर नहीं छोड़ते हैं और टेनिस स्टार पर कोई अन्याय नहीं हुआ है, ये बताने के लिए उन्होंने बिल्कुल जल्दी से वीडियो सामने लाए हैं। लेकिन ये कई बार ये हुआ है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जेल में जाते हैं, चाइनीज मीडिया ये कहती है कि नहीं वो बाहर है, उसके बाद वो जेल से निकलते हैं और वही आदमी चाइनीज टेलीविजन में आके माफी मांगता है और कहता मैं जेल में था। सही बात है। और योगेश गुप्ता जी, यहाँ पर ये भी देखना होगा कि ये जो वीडियो जारी किया गया है इसको लेकर भी ब्रिटेन का बड़ा दबाव था। ब्रिटेन ने ये कहा था कि वेरीफाइबल एविडेंस जारी करे चीन पेंग शुआई को लेकर, और अब यह वीडियो जारी किया गया है। इससे पहले दावा यह किया जाता है कि यह लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, लेकिन 50 मिनट की देरी से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की जाती है, यानी पहले रिकॉर्ड कर दिया जाता है फिर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। अब इसको लेकर ही लोग सवाल उठा रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।